नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। थाना कोसी के रहने वाले पीड़ित यूसुफ पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार, अपने बच्चे के गलत तरीके से फंसाए जाने को लेकर लगाई न्याय की गुहार। कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। बताओ क्या समस्या है? समस्या है जी, मतलब नाजायज मुकदमे में मेरा एक बच्चा और जी के एक बच्चे का साला अपनी बहने लेने करने के लिए आया और नाजायज मुकदमे में उठा के फंसा दिया। अच्छा। और जी के फिर मतलब मैं सुबह गया था, कही 2 लाख रुपए दे दो। किसने कहा? पुलिस वाले ने कहा। कोसी थाना पुलिस ने। अब क्या चाहते हो एसएसपी साहब से? अब ये कहना चाहता हूँ जी, बाबू जी इसमें मेरी जांच करी जा, कोई मेरे साल मतलब जो साले का लड़का मतलब मेरे लड़का का साला है उस पर कोई केस हो, राजस्थान वाला रहने का पढ़ने वाला बच्चा है, या कोई मेरे लड़का पे कोई केस हो, छानबीन करी जाए। और ये खामा खां अब गैंगस्टर में फंसाया जा रहा है। 2 थाने के पुलिस वाले आए गैंगस्टर में, ये बोला गैंगस्टर आ रही है आपके पास। और देखिए मुझे बहुत सारा डर लगा, फिर मैं यहाँ इस पर्चा को देख आया हूँ बनवा पर। तो ये है जी कि बच्चा की छानबीन करी जाए, देखभाल करी जाए। तो ये है जी कि मतलब ये बच्चा नाजायज मुकदमा में फंसाए जा रहे हैं, यह नीति हो रही है भाई। यार देखें हमारे गरीब आदमी है, मजदूर करें, दिलदारी करें। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है जी। यूसुफ? हाँ। और जो बच्चा नाजायज फंसाया जा रहा है उसका क्या नाम है? शहनवाज है, और एक शहनवाज का साला है, राजस्थान का रहने वाला। अच्छा, चलिएगा तो ये रहते हमारे साथ। अभी एक पीड़ित व्यक्ति आज हम बता दें कि जमीन के प्रकरण को लेकर एक पीड़ित आया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार। क्या मामला है पूरा आपका? मैंने अपनी जमीन की अधिकाय बहनामा किया, एक गांव का भूरी को छुड़ाया, इस पार्लर नाम है उसका, पिताजी का नाम भूरी है, इस पार्लर ने सौदा कराया मेरा, मुझसे बोला था कि भाई 6 महीने टाइम में पैसा मिलेंगे तुम्हें और जमीन की लिखावड़ी कर दो। मैंने जमीन की लिखावड़ी कर दी नहीं तो 6 महीने के टाइम तक हम देखते रहे पेड़ों। 6 महीना में बनने तक दाखिला खारिज करा लियो, दाखिला खारिज करा के नहीं 6 महीने भीतर भीतर 15 दिनों में 20 दिनों में सरत गया। हम तो पढ़े लिखे आदमी ना अनपढ़ आदमी है, बिन्ने सरत गए, फिर साहब जी के तक दाखिला खारिज करा के जमीन हमारी उड़ान चक करके नहीं है दूसरी जगह लगे। दूसरी जगह थाना आता है जी, वृंदावन थाना आता है। सब 4-10 साल है गई। अच्छा। हाँ। अब क्या चाहते हो एसएसपी साहब से? क्या कप्तान साहब से जिन्हें अरेस्ट करे और हमारे खेते दबा में, कप्तान साहब से ये चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? यादव सिंह। यादव सिंह जी। तो आपको हम बता दें, पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के पास आए हैं अपनी न्याय की गुहार लगाने, और यादव सिंह इनका नाम है, थाना कोतवाली वृंदावन के रहने वाले हैं ये। और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर इनकी जमीन, इनको जमीन दिलवाने की इन्होंने मांग की है, और देखते हैं अब क्या कार्रवाई। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।